हेलो फ्रेंड, आज हम आपको स्टाइलिश सलवार बताएंगे जिसके लिए हमने ये 4 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हमको कपड़े को 2 लेयर में रखना है। ये देखिए, आज की तरफ से अब ये देखिए, ये हमने इस तरीके से 4 लेयर में कर लिया है। और इसकी सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे, जो हम तैयार रखेंगे 70 इंच। ये देखिए, यहाँ तक हमारा ये साइड है और 10 और ले लेंगे यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ तक हमारा ये पूरा 70 इंच होगा। यहाँ से इसे कट कर लेंगे। अब ये देखिए, ये हमें जो इस मोहरे की जो उसकी चौड़ाई रखनी है पार्ट की, वो हम रखेंगे 9 इंच। तो ये से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कट कर देंगे। ये दोनों पार्ट है हमारे, देखिए ये 4 लेयर में रखा हुआ है हमने कपड़े को। इसे बिल्कुल ऐसे करके इसे हम यहाँ से 9 इंच लेंगे, खुल के हमारा ये 18 इंच होगा। ये देखिए, ये हमारा पूरा 9 इंच रह गया है। इसके बाद इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। अब ये देखिए, जो ये हमारा जॉइंट है, इसको भी हम अलग कर लेंगे, ये पूरे को अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे पार्ट कट हो चुके हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले जो हम अपनी बेल्ट की लंबाई रखेंगे, यहाँ से चौड़ाई 21 इंच है। अगर आप हेल्दी हैं तो इसमें और कपड़ा जोड़ लें 2 इंच, और इसको हम हमारे तैयार 20 इंच है, 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। ये देखिए, हमारा ये 21 इंच है। और जो इसके यहाँ से ये लेंथ रखेंगे, वो हम 9 इंच रखेंगे, ये यहाँ से भी। इसे यहाँ से इसे सीधा मिला देंगे। अब ये देखिए, जो हम कली के लिए कपड़ा लेंगे, वो हम तैयार रखेंगे 35 इंच। हमारी कली तैयार होगी 35 इंच, और इसे हम लेंगे यहाँ से 42 इंच। ये देखिए, जो हम आसन रखेंगे, वो हम 9 इंच का लेंगे यहाँ से। और इससे नीचे जो हम लंबाई रखेंगे, ये देखिए, वो हमारी 35 इंच होगी तैयार। ये देखिए, यहाँ पर हमने इधर की साइड में एक आसन का निशान लगाया है, वो 9 इंच पे लगाया। दूसरा निशान हमें इधर की तरफ लगाना है, देखिए यहाँ से इस तरीके से। जो हम इसे तैयार रखेंगे, ये हमारी 35 इंच होगी। इसी तरीके से इसको कट कर लेंगे। ये हमारी जॉइंट है, इसको भी अलग कर लेंगे। ये देखिए, इसकी कटिंग हो चुकी है पूरी, इसको सिलना बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी पार्ट है, और एक तरफ से इसे हमें, ये देखिए, यहां से 7 इंच लेना है, और यहाँ एक हल्का सा कट लगा देंगे। यहाँ हमें कोई प्लेट वगैरह नहीं डालनी है इसमें, ये हमें इतना कपड़ा सिंपल सिलना है, इसलिए हमने 7 इंच पर दोनों तरफ कट लगा लिया। देखिए, ये हमारी एक पार्ट है खुलकर, इसी तरीके से हम दूसरे वाली पार्ट पर लगा लेंगे। और ये हमें, देखिए, जहाँ ये कट है, ये नीचे की तरफ लेना है, और ये दूसरा सिरा जो इसका, हमें ये ऊपर की तरफ लेना है, और ये हम कली के ऊपर जॉइंट करेंगे। और ये देखिए, ये हमारी कली की लंबाई है इधर से। ये देखिए, कली की लंबाई की तरफ से हमें ये जॉइंट करना है, और ये हमारी आसन की साइड है। आसन की साइड से हमें नहीं जॉइंट करना है, ये पार्ट में हमें कली की साइड से जॉइंट करना है, जिधर इसकी लंबाई है। और ये देखिए, इस तरीके से इसे करेंगे। यहाँ से करीब हम 2 इंच इसे सिंपल सिल लेंगे ऐसे ही, और उसके बाद इसमें हमें करीब 1 इंच चौड़ी प्लेट डालनी है।
देखिए इसी तरीके से ये हमें एक एक इंच चौड़ी प्लेट, और इस चीज का ध्यान रखें कि हम प्लेट डाल रहे हैं ऐसे ऊपर की तरफ मुंह करके डाल रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और इस प्लेट को हमें इसी तरफ मुंह करके और जहां तक हमने 7 इंच का निशान लगाया वहां तक तो हमें प्लेट डालनी है, बाकी फिर हमें खाली कपड़ा सिलना है। अब ये देखिए ये हमने इस तरीके से पूरे में इसी तरीके से ऊपर की तरफ मुंह करके प्लेट डाली है, और ये देखिए यहां तक हमें ये जो हमने 7 इंच पर निशान लगाया था वो हमें ऐसे खाली रखना है। ये हमारा वो वाला निशान है नीचे की तरफ, और ये इस तरीके से यहाँ पर एक प्लेट और आएगी। अगर आप इसे कली के साथ जॉइंट करके प्लेट डालते हैं तो इससे एक अंदाजा लग जाता है कि हमारे कहाँ तक प्लेट आनी है। अगर आप ऐसे ना डालें तो आप खाली कपड़े पर पहले प्लेट डालकर उसे 35 इंच रख सकते हैं, और उसके बाद ये देखिए हम इस कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे। देखिए हमने सीधा कर लिया है ऐसे, और इसे हमें बिल्कुल इस तरीके से इसकी प्लेटें ऐसे एक सार करनी है। इधर की तरफ हम पहले एक सिलाई लगा लेंगे, इधर से खाली सिलाई लगाकर इन्हें सेट करेंगे। सबसे पहले ये देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से ये हमारी प्लेटें आई हुई हैं उसी तरीके से हमें ये इधर से सेट करनी है। देखिए इसी तरीके से हम इस पूरे कपड़े की प्लेट डालकर तैयार कर लेंगे। भी देखिए इस तरीके से हमने डाली है, ये हमारा वो वाला कट है, और जिस तरीके से ये हमारी नीचे वाली प्लेट आई है इसी तरीके से हमें इस प्लेट को भी ऐसे ही डालना है। और इसे कली से नापना है सबसे पहले, देखिए ये देखिए यहाँ से हमें कली को नापना है। वैसे तो हमारी प्लेटें ही बराबर होंगी, फिर भी एक बार पहले नाप लेना चाहिए कहीं कोई प्लेट कम या ज़्यादा ना हो। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल बराबर है इसकी। अब इसे इसके ऊपर ऐसे ही रख के हम दूसरी वाली कली को जॉइंट कर लेंगे। इसे बिल्कुल यहाँ से देखिए ऐसे एक सार करके रखना है ताकि कोई प्लेट नीचे से इसमें दब ना जाए, अच्छे से सेट रहे। और इस चीज का ध्यान रखें एक पार्ट में हमारी दो कली जॉइंट होती है, और ये हमारी आसन की साइड इधर है, हम आसन की साइड से नहीं सिलेंगे, लंबाई की साइड से सिलना है। और जिस तरीके से हम इस वाले पैर को तैयार कर रहे हैं उसी तरीके से हम दूसरे वाले को तैयार करेंगे। मैं नीचे तक बॉटम तक पूरे में सिलाई लगा के तैयार कर लूंगी। अब ये देखिए इसमें हमने दोनों कली जॉइंट कर ली है, उसके बाद में हमें यहाँ पर एक पक्की सिलाई लगानी है इधर भी और इधर भी दोनों साइड, इसमें ऐसे पक्की सिलाई लगा के तैयार कर लूंगी। अब ये देखिए जैसे हमने इसका रुख नीचे की तरफ मोड़ा है, इस चीज का ध्यान रखें इसका रुख हमने नीचे की तरफ मोड़ा है,
ये प्लेट का देखिए ये इस तरीके से आई है। अब जब हमें ये बिल्कुल 20 सेंटर से एक सिलाई लगानी है इसमें, ये देखिए आप नाप लें, हमने नाप लिया है ये 20 सेंटर है इसका। और इस चीज़ का ध्यान रखें, देखिए जैसे ये है तो ये हमें प्लेट ऐसे करके इधर ऊपर की तरफ मोड़ना है। ये जो हमारी कली की साइड है इनका रुख इधर मुड़ा हुआ है और 20 सेंटर का रुख हमें इधर मोड़ना है। ये देखिए ये जो हमारी प्लेट है ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए बीच से जो हम डाल रहे हैं। ये देखिए इसे ऐसे करके और तब नाप नाप के डालें इस तरीके से। ये देखिए इसे एक बार ऐसे खींचेंगे तो इसका खुद ही जितना सेंटर है वो निकल के आएगा। इस तरीके से इसकी प्लेट डालते हुए चलना है। एक बार इसे ऐसे करते रहें तो इसकी शेप बनती हुई चली आती है। ये देखिए ऊपर तक इसी तरीके से हमें ये पूरे एक टाइम भर के तैयार करें। इसी तरीके से हम दूसरे वाली पार्ट को तैयार करेंगे। अब ये देखिए इसी तरीके से हमने ये पूरे में प्लेट डाल ली है। इस तरीके से आएगी इसकी शेप। इस पे यहाँ पर हमारे मोती अटैच होंगे वो हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले हमें इसके ऊपर मोहरी बनानी है। ये देखिए मोहरी के लिए कपड़ा हमने इसी में ले लिया है कली में। और ये हमने बुकरम कट किया है 2.5 इंच चौड़ा और इसे हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए थोड़ा सा कपड़ा तो हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब ये देखिए ऐसे हमें हल्का हल्का ये अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर हमें ये सीधा करना है। ये इसी तरीके से हम पूरे बॉटम पे सिलाई लगाएंगे। बुकरम को इसी तरीके से सेट करना है इसमें पहले। अभी देखिए ये सिलाई लगा के हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और इसे पलट के हम सीधी तरफ सिलाई लगाएंगे। सिलाई को हमें बिल्कुल सीधा लगाना है। इसके पास में एक और सिलाई लगाएंगे आधा इंच, एक पॉइंट छोड़ कर लगाएंगे। आप जितनी दूरी से लगाना हो उतना चाहे लगा सकते हैं। ये देखिए एक सिलाई हम इसके पास में लगाएंगे जो ऊपर वाली सिलाई है। और आप इसमें बीच में कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए एक सिलाई इसके बिल्कुल हम 20 सेंटर में लगा लेंगे। चारों सिलाई के बिल्कुल बीच में लगानी है। और इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं। हम इसमें हल्की सी सिलाई को घुमा घुमा के इन दोनों में इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम इसमें बना रहे हैं।
ऐसे ही इस बॉक्स में बनाएंगे। जैसे शेप हमने यहाँ पर दिए घुमा के, इस तरीके से यहाँ पर देके तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से ये देखिए दोनों पैर को हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है बना करके। अब सबसे पहले इसका हमें आसन जॉइंट करना है, उल्टे सीधे का ध्यान रखें, हमें इस तरीके से इसे रखना है और फिर दूसरे वाले को इसके ऊपर रखना है। ये देखिए ये हमने सीधा रखा है और दूसरे वाले को अंदर की तरफ लेना है सीधा, और ऐसे उल्टा रखना है तब हमारा ये सीधा आएगा। उल्टे सीधे का ध्यान रखते हुए सबसे पहले हम इसके आसन को जॉइंट करेंगे। और इसके ऊपर एक पक्की सिलाई लगा के इसी तरीके से हम दूसरा वाला आसन जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए बेल्ट को इसकी हमने तैयार कर लिया है। बेल्ट तैयार करना हमने कई सारी वीडियो में आपको बता रखा है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। इसको नॉर्मल है तैयार करना, ये हमने नेफे के लिए जगह छोड़ी और इसे 1.5 इंच ऊपर से फोल्ड कर दिया है। अब सबसे पहले देखिए इसका हम 20 सेंटर निकालेंगे, ये हमारे डोरी डालेंगे वहाँ का 20 सेंटर है और ये हमारा पीछे की साइड से। यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे, हमारा एक आसन पीछे की इस 20 सेंटर पर आना चाहिए और एक आसन हमारा इस फ्रंट पर होना चाहिए। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल हमने, ये दोनों हमारे बैक और फ्रंट के 20 सेंटर हैं। उसके बाद में ये हमने 4 लेयर में कर ली है बेल्ट को। अब उसके बाद में हमें देखिए इसे 20 सेंटर को नापना है, जो हमें बीच में से इसके चारों तरफ प्लेटें आएंगी लेकिन इस 20 सेंटर में नहीं आएंगी। ये 20 सेंटर हम 3 इंच का नापेंगे यहाँ से, ये देखिए 3 इंच छोड़ेंगे हम यहाँ से बिल्कुल बीचा बीच से, और इस चारों पीस में कट लगा लेंगे ताकि हमें प्लेट डालते समय ये पता रहे। इसको बिल्कुल एकसार करके जो हमारी पार्ट है ये इतना हमारा 6 इंच में हम प्लेट नहीं डालेंगे। देखिए खुल के हमारा ये 6 इंच होगा। और अब सबसे पहले हम इसमें प्लेट डालेंगे, ये देखिए किस तरीके से हम ये बताएंगे। ये हमारे डोरी वाली जगह है और उसके ऊपर हमें एक आसन रखना है, देखिए इस तरीके से। और हमें ये प्लेटें इस तरफ मुंह करके डालनी है, देखिए। ये आपके पास जितना कपड़ा है उस हिसाब से प्लेट डालें, ये मैं 1.5 इंच चौड़ी प्लेट डालूंगी एक ही। अगर आप ज्यादा घेरा की और भी ज्यादा घेर की बना रहे हैं तो इसमें और ज्यादा प्लेटें डालें, या फिर इसमें कम लिया है अपने कपड़ा तो और थोड़ा कम ले लें, अपने हिसाब से प्लेटें डालनी है ये। अब ये देखिए जो हमारा ये 6 इंच का कट था उस पर हम आ चुके हैं। और ये देखिए इस चीज का ध्यान रखें आप, या तो इसका 20 सेंटर ऐसे ही ध्यान रखें आप 3 इंच का, या फिर इसे दोबारा से ऐसे करके और इसमें निशान लगा लें। ये हमारा यहाँ पर 3 इंच का 6 इंच वाला है, ये 3 इंच पर है। तो जो ये हमने अभी सिलाई है बिल्कुल 20 सेंटर की, ये यहाँ पर आनी चाहिए और बाकी की जो भी कपड़ा है एक्स्ट्रा उसके हमें स्कर्ट से पल्ली तरफ ही प्लेट भरनी है। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर बीच में आना चाहिए। ये यहाँ तक देखिए हमें ऐसे ही सिलना है जो हमारा ये वाला निशान है, इसके बीच में कोई प्लेट नहीं आएगी। और उसके बाद में हमें जैसे हमने ये पल्ली तरफ मुंह करके प्लेटें डाली थी, ये वाली प्लेट हमें उल्ली तरफ मुंह करके डालनी है, ये देखिए इस तरीके से।
और ये हमारे बीच का बैंस पीक से बीच वाले सेंटर का निशान है। और इसको इतने कपड़े को हमें इसी के अंदर इधर मुंह करके प्लेटें डाल के तैयार करना है। ये प्लेट हमारी पूरे में आएंगी, इस चीज का आप ध्यान रखें कि आधी प्लेटें पल्ली तरफ आती हैं और आधी इधर, और जो हमारी साइड है बीच वाली खाली वो हमें ऐसे ही छोड़नी है, पार्ट वाली साइड पे कोई प्लेट नहीं आती है। ये हमारा बीच सेंटर हो गया। उसके बाद में ये देखिए हमें ये पादी प्लेटें फिर से हमें इधर मुंह करके डालनी है ऐसे। और ये वाली प्लेट हमें यहाँ तक स्कर्ट तक डाल के तैयार करनी है जैसे हमने पल्ली तरफ से आपको बताया है। अब ये देखिए ये वाला कट हमारा आ चुका है और ये हमारा दूसरा वाला कट है। और ये जो सिलाई है देखिए फिर से हमें यहीं पर लानी है बिल्कुल बीच सेंटर में, और एक्स्ट्रा कपड़ा की प्लेट इधर की तरफ ही डाल देनी है। और अब हमें ये यहाँ तक खाली सिलना है देखिए इस वाले निशान तक। बाद अब ये बाकी बची प्लेटें हमें इधर मुंह करके डालनी है, ये देखिए यहाँ तक, और ये जो कपड़ा है इसी में इसकी प्लेट डाल के तैयार कर लेंगे। ये देखिए मुंह करके डालनी है इसी तरीके से। देखिए ये हमने पूरे में प्लेटें डालनी है। अब उसके बाद में हमें इसे सीधा करके और ऐसे पक्की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इसको बिल्कुल एक साथ करके और इसके ऊपर जो हमने अभी प्लेटें डाली हैं बैंक में इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, पक्का कर लेंगे इसको। अब ये देखिए पूरे हमने कंप्लीट कर लिया है इसे ऊपर से तैयार करके। अब इसकी मोहरी बनाएंगे, ये आप अपने जितना पहनती हैं उस हिसाब से रखें। इसे हम यहाँ से 7 इंच रखेंगे, ये देखिए ऐसे। और ये हमें बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं लेके चलनी है, इस चीज का ध्यान रखें। ये देखिए हम आप ही आपको बताते हैं, इसको बिल्कुल इस तरीके से एक साथ पकड़ के और इसको हमें इस तरीके से लेके आना है ऐसे। और इसी तरीके से हम दूसरे वाले को सिलेंगे। आसन तक सिल के ले जाएंगे, फिर दूसरी साइड से सिलते हुए लेके आएंगे इसको। इसी से नाप के इसी तरीके से हम इसे आसन तक सिल के कंप्लीट करना है, और फिर से हमें दूसरी तरफ से लेके आना है इसे। अब ये देखिए डिजाइनर सलवार हमारे आपके सामने बनके तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसके इस प्लेट में मोती लगा सकते हो इन जगह पर। ये इस तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।